हेलो बच्चों, वेलकम टू जैनिता पब्लिक स्कूल। मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इन सभी टेंसेज को कम्प्लीट कर लिया है। मैंने आपको बता दिया है रूल्स क्या होते हैं, कैसे इनके सेंटेंसेज बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी इंग्लिश ग्रामर जरूरी नहीं कि इसको केवल बच्चे ही देखें, कोई भी है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जिनको उसको सीखने की चाहत है, जो कि इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन आए, हम इंग्लिश बोल पाएँ, तो आप सबसे पहले ट्रांसलेशन सीखो। ट्रांसलेशन सीख लोगे तो स्पोकन आपसे काफ़ी हद तक बनने लगेगी। हाँ, बट बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर का डर खत्म करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। बोलेंगे तभी आपसे स्पोकन बनेगी, ढेर सारी वर्ड मीनिंग लर्न करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब पहचान होता है वाक्य के अंत में। अब कॉन्टिन्यूस है तो रहा सब तो जरूर होगा। तो पास्ट है तो पहचान होती है वाक्य अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये हो गई हिंदी में सेंटेंस पहचानने वाली बात। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रिया की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम। ये जान लीजिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, वो मतलब केवल कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कॉन्टीन्यूअस है तो। ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये जानते हैं आप कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वे उनकी जगह पे हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ही यूज होता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये वो या तो क्या होगा, कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे अदर्स बहुत कम आते हैं और रेयर केसेस होते हैं कि दूसरे वर्ड्स आएँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मोस्टली नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। दे, वी, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। बाकी जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो वो सब कुछ तो रूल में लिखा ही रहेगा, तो अलग से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल लिख देता हूँ। अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अब्लिक वर
प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू से अदर वर्ड, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज अब्लिक वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में वाज या वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देख लीजिए, वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि वह क्यों रो रहा था, मैं तुम्हें कब पकड़ रहा था, ऐसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जब ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो पहले उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं या क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर वही वाज या वर, मतलब उसके बाद आप इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल कॉपी पेस्ट कर दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, हो गया, ये आपके हो गए रूल। अब थोड़े सेंटेंसेस देखते हैं, तुम पत्र लिख रहे थे, तो यू क्या है, यू के साथ लगता है वर, क्या लगता है, तो यू वर लिख रहे का क्या हो जाएगा, राइटिंग लेटर, यू वर नॉट राइटिंग लेटर। अब इसका क्वेश्चन बना देते हैं, वर यू राइटिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेटर, वर यू नॉट राइटिंग लेटर। अब ये बोल दें तुम पत्र कब लिख रहे थे, तो बना लेना वेन वर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये आपके हो गए सारे सेंटेंसेस। और एक क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं, वह कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, ही वाज, झाड़ू लगाने का क्या होता है, स्वीपिंग, स्वीपिंग, आई एन जी लगाओगे स्वीप में झाड़ू लगाना तो यहाँ जाएगा स्वीपिंग, ही वाज स्वीपिंग कहाँ, कमरे में, इन रूम, ही वाज नॉट स्वीपिंग इन रूम। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या है, अदर वर्ड है। एक बात और, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, एक ग्रामर की बुक खरीद लो, ठीक है, आप ऑक्सफोर्ड की ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर करके आती है, या लूसेंट की ले सकते हो, सभी में टेंस में एक्सरसाइजेज दी हो गई होंगी, आप इन्हें देखने के बाद क्या करो, उन एक्सरसाइजेज को देख के प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चला जाएगा।
अब चलिए एक थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस देखते हैं। बोलते हैं, कमरे में झाड़ू कौन लगा रहा था? तो यहाँ पता है क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे? हु, वाच, स्वीपिंग। वाच स्वीपिंग इन द रूम। AI बना दें, तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे? यहाँ क्या है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे? सबसे पहले किसकी किताब एक साथ लेना है, मतलब जो हु जैसे वर्ड हैं उनके साथ जो नाउन है उसके साथ लीजिए। हुज बुक, बर यू रीडिंग। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने हैं, कैसे करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जो भी हैं जिनको भी नहीं आता उन्हें इससे काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।